हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ग्लांस एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही अलग पेपर जो है कि सॉल्व करेंगे। अभी तक आप मेरे साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको धे आईएएस के लगभग 20 टेस्ट पेपर कराए, और यूपीपीसीएस मेंस का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता था 2012 से 2017 तक, ये सारे पेपर शुरू किए थे, जिसमें अभी दो ही पेपर हो पाए थे। हालांकि उन्हें अब मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी तक क्लास वगैरह और कुछ और भी एसेंशियल मेरे पास काम थे, उनको कंप्लीट करना जरूरी था, जो मेरा अपना पर्सनल ऑफिशियली काम था। लेकिन बहुत सारी आप लोगों की करीब हजारों से अधिक कमेंट और रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि सर प्लीज़ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के पीवाईक्यूज जो पेपर हुए उनको जरूर कराइए। हालांकि मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कराए थे पीवाईक्यूज एनालिसिस में, तो वहां पर मैंने सब्जेक्ट वाइज हर एक ईयर का करा दिया था, 2015 से 2023 तक के सारे सब्जेक्ट वाइज। लेकिन एक बार पूरा पेपर कंप्लीट तरीके से देखने में, समझने में, और कहां कहां पे हमें फोकस ज़्यादा करना है, ये बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये टेस्ट पेपर लेके आया हूँ, क्योंकि मैं इसको चाहता तो पहले ही करा देता, लेकिन पहले कराने में और अब कराने में एक अंतर आएगा। वो अंतर क्या होगा कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ लगभग 20 से 22 टेस्ट पेपर कंप्लीट किए, एक अप्रोच डेवलप की कि किस तरीके से आंसर को निकालना पड़ता है, कौन से फैक्ट आपको याद हो चुके हैं, साथ ही साथ आपने भी बहुत कुछ पेपर को पढ़ा होगा, तैयारी की होगी, नोट्स पढ़े होंगे, तो उनके बाद आप देखोगे कि 2023 का पेपर आपको कैसा इजी लगेगा, जो कि 2023 के एग्जाम में आपको बहुत हार्ड लग रहा था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम लोग ये भी एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे रहेंगे जहां पर आपको ज़्यादा फोकस करना रहेगा। तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, प्लीज़ उसे फॉलो कर लेना, लिंक बायो में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे पहला ही प्रश्न आपका जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर हम लोग व्याख्या भी पढ़ लेंगे इसके साथ ही साथ। अब देखो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि इजीली आपको दिख सके। पहला प्रश्न आपके बजट से संबंधित है, इसका मतलब क्या समझ में, पहले ही प्रश्न में आपने समझ लिया कि भाई बजट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको आगे चलते चलते पता चल जाएगा लगभग कितने बजट आ रहे हैं। यहाँ देखो कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी कितने जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र स्थापित किए जाएंगे भारत में। तो ये बजट 2023-24 में कहा गया था लगभग 30 जो है कि इसके एस्टैब्लिश किए जाएंगे। तो यहाँ पे पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बजट पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला। यहाँ पर कह रहा है 2023-24 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हालांकि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि आपने आर्थिकी शुरू की, उसमें चार लेक्चर आए जो इंपॉर्टेंट थे, चार से पांच, अभी उस पर बजट नहीं आया, क्योंकि दोस्तों उसका जो बजट है ना काफी वास्ट है और काफी यूजलेस भी कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा लिखी हुई है। तो मैं सोच रहा था कि जब आई दृष्टि आ जाएगी तो हम उससे जो बजट कवर करेंगे वो सबसे बेस्ट रहेगा, और हैंड रिटन नोट्स में रहेगा, तो वहां पर सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां पर देखिए निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे स्पेयर बुक किसकी है, तो ये आपके प्रिंस हैरी की पुस्तक है। अब यहाँ पे इस पुस्तक को पूछने का क्या मतलब था, तो मतलब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, क्योंकि ये जो पुस्तक थी दोस्तों ये 10 जनवरी 2023 को पब्लिश की गई थी, और पेपर आपने कब दिया, मई 2023 में। इससे क्या समझ में आया कि जिस साल आप पेपर दे रहे हैं उस साल अगर कोई भी बुक इंपॉर्टेंट है, या जो भी 10-12 बुक पब्लिश होती है, ज़्यादा तो नहीं होती है, 10-12 बुक पब्लिश होती है, उन्हें जरूर पढ़ लो। और मैं आपको बता दूँ कि ये आपके जो प्रिंस हैरी हैं ये ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य हैं, उनके द्वारा यह किताब लिखी गई थी, और इसीलिए इसको जो है कि पब्लिश कर दिया गया। हालांकि इसमें हैरी ने अपने जीवन और शाही परिवार के बारे में पूरी जानकारी बताई, जनता की नजरों में जो चुनौतियां होती हैं ये सारी चीजें बताई थी, इवन कहने का मतलब ये पर्सनल उनकी जो है कि लाइफ से संबंधित था, लेकिन फिर भी आपको यह समझ में आ गया कि बुक भी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए अगर ऐसे टॉपिक आप अभी भी स्किप करके जा रहे हो ना तो बहुत बड़ा रिस्क लोगे आप लोग। आगे देखते हैं, क्योंकि इस पेपर को कराने का टारगेट मेरा यही है कि यहाँ से आप पीवाईक्यूज तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ ही साथ ट्रेंड को भी एनालिसिस करो कि कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से करंट अफेयर्स के भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एनवायरनमेंट का बहुत आसान प्रश्न आता है, मैंने कई बार कहा है कि एनवायरनमेंट के लिए केवल और केवल घटना चक्र के हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, साथ में पीवाईक्यूज के साथ, मतलब घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के साथ आप मॉडल टेस्ट पेपर कर लोगे ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा घटना चक्र मतलब एनवायरनमेंट का। प्रश्न को देखो, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कह सकते हैं, अर्थात जितनी आप दोहन कर रहे हो किसी भी वस्तु का आज के समय, उतनी ही मात्रा में आपके आगे की भविष्य के लिए भी होना चाहिए, पीढ़ी के लिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं।
अब यहाँ देखोगे संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, जबकि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनीकृत होने हेतु समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब ये चीज आपको देखो रेफरेंस क्या दे रहा है कि आप अगर 2022 की अगर आप घटना चक्र पढ़ोगे इकोनॉमी वाली तो वहां पर पेज नंबर 33 मिलेगा, और हालांकि हमने 2023 वाले से बनाया जिसमें सारी चीजें इंक्लूड है शॉर्ट नोट्स में, तो ये सारी चीजें वहां पर दी गई है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति से संबंधित कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, बिल्कुल भाग होता है क्योंकि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही होते हैं मिलके। फिर दूसरा कह रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर देखो कि दोनों बातें सही हैं, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या कर रही है, तभी तो राष्ट्रपति को संसद का सदस्य माना जा रहा है, नहीं तो उसकी इंपॉर्टेंस फिर क्या रह जाती है। आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं या फिर कोई भी और मंत्री जाता है और विदेशों में कोई भी समझौता करता है एग्रीमेंट करता है तो उस पर जो अंतिम मुहर लगती है वो राष्ट्रपति जी की ही लगती है, क्योंकि हमारे भारत का जो गणराज्य है वो राष्ट्रपति के नाम से है, न कि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जाके साइन करेगा, वहां पर साइन राष्ट्रपति जी के ही होते हैं। अब आप कहोगे सर राष्ट्रपति तो जाते नहीं, वो साइन कैसे करेंगे, तो उनकी मोहर जाती है जो राष्ट्रपति के नाम से होती है, उनके द्वारा ही पहले किया जाता है। तो राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने परसों आपको एक वीडियो दी थी कि इंडियन पॉलिटी के 10 से 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर साल प्रश्न आते हैं, जिसमें मैंने राष्ट्रपति को भी रखा था, हालांकि आज सामने में हिस्ट्री या ज्योग्राफी के भी आज बना दूंगा। अब देखो संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, साथ ही साथ अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है, और इस प्रकार दोनों ही बातें सही हैं। अब आगे देख लेते हैं, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद की बात करता, तो वो बौद्ध भिक्षु कौन था, नागसेन रहता है, कौन रहता है, नागसेन रहता, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि देखो बौद्ध धर्म से संबंधित हर साल प्रश्न आते हैं, अगर यूपी पीसेस दे रहे हो तो बौद्ध धर्म को अच्छे से तैयार करो, बिहार पीसेस दे रहे हो तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अच्छे से तैयार करो। ये पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है जो कि मिलिंद पन्नो में बौद्ध भिक्षु नागसेन होते हैं और यवन शासक मिनांडर जिसको मिलिंद भी जानते हैं। आगे प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो जरा सत्य कथन की बात करते हैं, महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, फिर पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12:30 बाद मतलब कि 12:30 घंटे मतलब 12:30 के बाद ज्वार आता है, और बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, क्या पूछ रहा है, ठंडी धारा, और इसके बाद कह रहा है यदि सूर्य तथा सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में हो जाते हैं तो ये लघु ज्वार की स्थिति होती है, तो यहाँ पर अब आपसे सही कथन पूछ रहा है। तो देखो पहला कथन सही है कि महासागरीय लवणता जो होती है कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में ही स्थित होती है, यूं कहें कि कर्क और मकर रेखा पर अधिकतम होती है। आपको बता दूं कि 330% जो आपकी लवणता होती है वो किसकी होती है, वॉन झील की होती है, किसकी, वॉन झील की, और ये लगभग कर्क रेखा के आसपास ही आपको देखने को मिलती है। अब मैंने इसको क्या किया कि इंडियन ज्योग्राफी का जो तपस्या नोट्स है वहां पर जो है कि मैंने इसको बहुत डिटेल से बताया हुआ है, तो पहला तो सही है। अब कह रहा है पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12:30 घंटे के बाद एक ज्वार आता है, फिर बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, अगर दोस्तों 12:30 घंटे के बाद आता तो फिर 24 घंटे में आपका दो बार कैसे हो पाएगा, आपने पढ़ा होगा ना कि दो बार ज्वार आता है तो 24 घंटे कहाँ हो रहे हैं, इसके हिसाब से तो 25 घंटे हो रहे हैं जबकि हम तो 24 घंटे जानते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बेंगुला की अगर हम धारा की बात करें तो बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है, ये आपको बताना है, अर्थात जो जलधाराएं होती हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जलधारा कहाँ से कैसे उत्पन्न होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रशांत महासागर की नहीं है दोस्तों बल्कि किसकी है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है ये ठंडी जलधारा। और यदि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इसमें लघु ज्वार नहीं आता बल्कि ये जो स्थिति होती दोस्तों ये सिजगी की स्थिति होती है, किसकी स्थिति होती है, इसको हम लोग कहते हैं सिजगी की स्थिति, और इस समय आपका दीर्घ ज्वार आता है, कैसा आता है, दीर्घ ज्वार आता है। अब आपको मैं बता दूं मैंने कई बार फोकस किया है आप लोगों को कि तपस्या नोट्स की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि हालांकि उस पर मैं आज एक डिटेल्ड वीडियो ला दूंगा 2-3 घंटे बाद, उसमें ये सारे के सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, ये कॉन्सेप्ट के समझने वाली चीज़ें हैं। आप यहाँ पर तो इसको रट सकते हो लेकिन ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये तीनों स्टेटमेंट आपके कॉन्सेप्ट से है, और कई बार आपका बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी यूपीएससी दोनों में इस तरीके के प्रश्न आते हैं आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित।
तो यहाँ पर अब आप देखोगे यहाँ पे व्याख्या भी दी है, लगभग वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में क्या होती है, कमी आती है। क्यों? क्योंकि लवणता का जो सामान्य संबंध होता है दोस्तों टेम्परेचर से होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, क्योंकि जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना ही अधिक आपकी इवेपोरेशन की क्रिया होगी अर्थात वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण होने से उतना ही अधिक आपका वाटर क्या होगा, हवा में उड़ जाएगा यानी भाप बन के। जब वाटर हवा में उड़ जाता है भाप बन के तो जो जल की जो सतह होती है वहां पर जो छोटे छोटे चीजें देखने को मिलती है व्हाइट कलर की या नमक कह दो या लवण कह दो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीरो डिग्री पर ही लवणता मिलेगी, क्योंकि जीरो डिग्री पर होती सबसे अधिक वर्षा और सबसे अधिक वर्षा होने के साथ साथ वहां पे पानी की अधिक मात्रा हो जाती है जिससे फिर पानी उतना ही हो जाता है जितना उड़ जाता हवा में। तो इसीलिए वहां पे जीरो डिग्री पर भी आपको क्या होता है लवणता अधिक नहीं मिलती है। मैंने ये ओशियनोग्राफी के जो चैप्टर्स है ना लास्ट के जो तपस्या नोट्स पढ़ाए हैं वहां पे पूरी चीजें मैंने ठीक से बता दी है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे एक बार जरूर देख लेना भाई, फिर बाद में मत कहना कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ पाया और आया था एग्जाम में, इसीलिए बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन देख लेना ठीक है। यहां पर देखोगे कि परंतु उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है जहां पर इसकी मात्रा 36% तक रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम और उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। मतलब मैंने क्या बताया, यही तो बताया कि टेम्परेचर हाई रहेगा इवेपोरेशन हाई रहेगा परंतु वर्षा यानी कि रेन जो होती है वो कम होती है, और रेन कब कम होती है जब आपकी आर्द्रता की वैल्यू क्या होती है कम होती है, जब आर्द्रता आपकी कम होती है। तो इसीलिए कर्क और मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांशों पर स्थित होती है जो कि इस पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये पूरी बातें, और यहाँ पे ज्वार के बारे में भी दे रखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने इसको जो है कि बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है क्योंकि यहाँ पे पढ़ोगे तो केवल रटोगे लेकिन वहाँ पे चीज़ों को समझोगे। और यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो ये जो लिखा हुआ था कि बेंगुला की धारा एक ठंडी धारा है जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे बहती है, और जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप एक दीर्घ ज्वार आता है मतलब स्प्रिंग टाइड आता है, और यह सिजगी की स्थिति के रूप में होता है जो कि सामान्यतः पूर्णमासी अमावस्या को होता है ठीक है। तो ये भी बातें मैंने बताई। अब यहाँ पे एल नीनो की बात कर ले जरा, एल नीनो ला नीनो, तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं कि एल नीनो के संदर्भ में बताइए। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल होता है। बिल्कुल, अगर आप देखोगे कि वैसे तो वहां पे ला नीना देखने को मिलती है जो कि एक ठंडी जल धारा होती है, लेकिन अल नीनो की जो उपस्थिति होती है हर 4 से 5 साल में एक बार देखने को मिलती है, और जैसे ही ये पेरू के तट पर जो है कि जल जो समुद्र होता है उसे जब गर्म कर देती है तो इसका प्रभाव सामान्यतः इंडोनेशिया मलेशियाई ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों में पड़ने लगता है, परंतु भारत में क्या होता है सूखा पड़ने लगता है। तो ये माना भी जाता है कि अल नीनो भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा क्या कह रहा है प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर यहां पे पूछा रहा सही तो केवल पहला ही स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा गलत होगा। क्यों गलत होगा यह आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, मैं तो आपको पढ़ा ही चुका हूं लेकिन फिर भी आपको व्याख्या पढ़ाऊंगा। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है, पर यह परिवर्तन पेरू के तट के साथ ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापन होता है, यानी कि प्रतिस्थापन तो होता है लेकिन वो अस्थायी होता है परमानेंट के लिए नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद ला नीना वापस आ जाती है। हालांकि अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मूल अर्थ होता है बच्चा या चाइल्ड, और एल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान अस्थिरीकरण में वृद्धि और समुद्र के पोषक तत्वों में कमी के कारण ये फाइटोप्लैंकटन नुकसान का अनुभव करती है, यानी अगर ज्यादा तापमान होगा तो ऐसे में क्या होता है प्रवाल वगैरह मरने लगती है, प्रवाल मरेगी तो शैवाल भी मरेगी, क्योंकि प्रवालों की वृद्धि के लिए ये जरूरी है कि आपका जो तापमान है वो लिमिटेड होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उससे अगर ऊपर जाओगे तो तापमान की वजह से क्या होगा प्रवाल मरने लगते हैं। तो ये चीजें कनेक्ट कर जाती है फिर शैवालों को ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे पॉइंट में पढ़ते हैं मतलब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देख रहे हो आप एनवायरमेंट के इतने आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, अब देखो जो अभी मैंने आपको बताया एल नीनो बता दिया, प्लैंकटन के बारे में बता दिया, या फिर इससे पहले लवणता के बारे में बात कर दी, तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई एकदम इजी। मैंने जो है कि आपको घटना चक्र शॉर्ट नोट्स में बता रखा है, बाकी एनवायरनमेंट की मैं क्लास करा रहा था जो तपस्या नोट्स की थी, लेकिन थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब दोबारा उसे शुरू करूंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? यहाँ पे देखोगे मातंगिनी हाजरा,
कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली और शांति घोष। अगर आप शांति घोष को देखोगे तो ये इससे संबंधित नहीं थी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। हालांकि अगर देखोगे प्रश्नगत विकल्पों में शांति घोष भारत छोड़ो से संबंधित नहीं थी। ध्यातव्य कि दिसंबर 1931 में तत्कालीन बंगाल की दो स्कूली छात्रों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शेष अन्य विकल्प महिला स्वतंत्रता सेनानी जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। अगर देखा जाए तो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में तो ये भी शामिल थी, परंतु यहाँ करा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि स्पेशली 1942 में आयोजित किया गया था, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो शांति घोष इससे संबंधित नहीं थी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क, मैग्नीज। अगर आप देखोगे तो लौह अयस्क के लिए फेमस है और माउंट न्यूमैन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड मुख्यतः लौह अयस्क के खनन के लिए मशहूर है और इस कंपनी ने वर्ष 1992 तक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क का खनन किया था। जब कंपनी को क्या किया गया, BHL बिलिटन ग्रुप द्वारा खरीद लिया गया, तो कंपनी लौह अयस्क के रेलवे संचार में भी प्रमुख योगदान दिया। तो देखा जाए ये कंपनी कहाँ से संबंधित हो गई, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो गई। ठीक है, माउंट न्यूमैन के बारे में बात करें, ऐसी अभी किंता घाटी पूछा जाता है आपसे, मलेशिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट है किंता घाटी। तो यहाँ पर आप देखोगे एक अगला प्रश्न आपसे, अच्छा जैसे अभी देखो ऑस्ट्रेलिया की बात की मैंने, माउंट न्यूमैन, तो ऑस्ट्रेलिया में एक यूरेनियम की भी खान बहुत फेमस मानी जाती है जिसको हम कहते हैं ओलंपिक डैम। ठीक है, ये जो ओलंपिक डैम के नाम से जानी जाती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खान है। ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई मोसाबानी की खान, मोसाबानी इंपॉर्टेंट है, झारखंड में आती है। ठीक है, और अगर आप यूक्रेन का देखोगे तो डोनबास आता है, डोनबास, ठीक है, डोनबास भी आता है और डोनेस्टेक भी आता है। तो ये वो क्षेत्र है दोस्तों जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे बाकू अजरबैजान का क्षेत्र आता है, करागांडा करके एक क्षेत्र आता है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये फॉरेन मतलब कि विदेशों में, अर्थात कि एक तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सभी क्षेत्र हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि एग्जाम में एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पर भी जाता है, तो इसीलिए बिल्कुल आप इसको फोकस करके रखना। अगला प्रश्न है कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो ये ताइवान ने की थी। हालांकि अब यहाँ पे डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर, लेकिन आपको ये देखने में समझ में आ रहा होगा कि भाई मई में पेपर हो रहा था और दिसंबर का करंट अफेयर्स पूछा है, यानी कि लगभग पिछले 5 से 6 महीने के अंदर का ना सारा करंट अफेयर्स पूछ लेगा। जिस तरीके से अगर आपका पेपर, अगर आप देखोगे कि अगर आपका 27 अक्टूबर को पेपर हो रहा है तो आप जो बढ़िया से करंट तैयार करोगे वो करना आप जैन से लेकर सेप्टेम्बर 2024 का। ठीक है, लेकिन अगर इसमें भी मैं अगर फोकस करने की बात करूँ तो आपको फोकस करना है जून टू सेप्टेम्बर, यानी ये जो 4 मंथ होते हैं ना लास्ट के, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जून से नहीं करना चाह रहे हो तो अप्रैल से, मई से कर लेना। ठीक है, अप्रैल तो नहीं लेकिन मई से जरूर। और मैंने हर वीडियो में भी बताया कि ये लास्ट के 4 से 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहीं से बार बार प्रश्न बन रहे हैं आपके। नीचे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे देखिए उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने के संबंध में शक्तियां, 2 कथन दिए गए इसके बारे में। जैसे उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उसी रिट का प्रयोग करती है। बिल्कुल सही बात है ये बात। यहाँ पे कह रहा है संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल, संसद चाहे तो ये शक्ति दे सकता है कि आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 226 का प्रयोग कोई भी स्थानीय न्यायालय कर सकता है। ठीक है, स्थानीय स्तर पे। तो ये मैंने अभी परसों ही बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या होते हैं आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि 32, 126, 131, 132, 136, 143, 143, 227, 229, 215, 215, ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने बताए थे ना, वो इसीलिए बताए थे क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। अगर ऐसे प्रश्नों पे आप फोकस करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि आर्टिकल 32 के खंड 2 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह मूल अधिकारों के किसी को लागू कराने के लिए ऐसे आदेश या निर्देश दे सकता है जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जो भी समुचित हो उसका प्रयोग कर सकता है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, 32 का ही एक और खंड दिया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय की प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्तियों कि कहीं किन्हीं भी सभी शक्तियों का या कोई भी एक शक्ति है सभी शक्तियों का अन्य न्यायालयों को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने की शक्ति दे सकती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करेंगे विद्रोह की,
तो 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे? अच्छा 1857 में अगर आप देखोगे तो लगभग पूरे भारत से कोई ना कोई जुड़ा हुआ था, लेकिन स्पेशली आपको यूपी का याद रखना है। जैसे बरेली से कौन था भाई, आपके बरेली से तो हो गए खान बहादुर खान साहब हो गए। संभलगढ़ से कौन थे आपको पता होना चाहिए, सुरेंद्र साई थे। मथुरा से कौन थे, देवी सिंह थे, ठीक। और आपके कानपुर से कौन थे, नाना साहब तात्या टोपे। झांसी की रानी कहाँ से थी, झांसी से ही थी। अवध से कौन थे, नवाब बेगम हजरत महल थी। और फैजाबाद से कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह खान साहब थे। सॉरी सब सलीमुल्लाह खान ही दोस्तों, वो तो मुस्लिम लीग से संबंधित है। मोहम्मद अहमदुल्ला जिनको डंका साहब भी कहा जाता है। तो इस तरीके के आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा और आप बाहर निकलोगे तो आसाम से मणिराम दत्त हो गए, कश्मीर से गुलाब सिंह हो गए, ऐसे भी कैंडिडेट के आप नाम याद रख लेना। लेकिन स्पेशली यूपी से जहाँ जहाँ से लोग शामिल हुए ना, ये आपको बिल्कुल पढ़ के रट लेना है, ठीक। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, कोई अलग से नहीं आएगा। बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। और यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया और इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया, सुयोग्य राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। तो अब यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि कुछ भी दाएं बाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे ISFR रिपोर्ट अगर पढ़ रहे हो तो भाई ये तो पता होना चाहिए ना, ISFR रिपोर्ट कि उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट अभी मैंने आपको परसों ही पढ़ाई है, परसों नहीं 3 दिन पहले पढ़ाई होगी, जो परीक्षा वाणी की मैंने अर्थ की पढ़ाई है ना, तो अर्थ की जो मैं पढ़ा रहा था 2024 की, क्यों पढ़ा रहा था, क्योंकि PYQs अगर देखोगे तो ऐसे प्रश्न आए हुए हैं और मैंने वहां पढ़ाया था ISFR रिपोर्ट, जिसमें मैंने बताया राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% बना, बिल्कुल नहीं, लगभग 9 पॉइंट के आसपास है, 9.23, जिसका 2030 तक हमने टारगेट कितना रखा है कि हम पूरे यूपी का 15% करना चाहेंगे, तो भाई पहला ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है जौनपुर गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इन क्षेत्रों में कोई वन की भूमि ना हो, तो ये भी गलत है। तो ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मात्र 6.15% भाग पर वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र को मिलाकर ये टोटल 9.23% हो जाता है। तो टोटल अगर हम देखें वृक्षावरण और वनावरण मिला के 9.23% इतना हो जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.22% ही है कौन सा वन क्षेत्र, जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र होता है, हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वातावरण का कुछ भाग वनावरण होना चाहिए, यहाँ पे वनावरण का कुछ भाग और न्यूनतम वनावरण वाला जिला भदोही होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो भदोही में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र मिलता है 3.71 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ समझी। अब आगे देख लेते हैं, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ था और इसके संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो देखिए पोप की बात हो रही थी, 16वें बेनेडिक्ट और हाल ही में निधन हो गया, यानी करंट अफेयर्स का ये प्रश्न था, तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं, हम ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो बस आपको ट्रेंड बताना चाह रहा हूँ ना कि देखो पेपर आप दे रहे हो दोस्तों मई में, और उससे 14 मई को अगर आपका पेपर हो रहा है, ठीक है, तो आप ये देखो कि मई का पूरा महीना छोड़ दो, लगभग जो है कि आपका 15 अप्रैल के बाद की डेट को छोड़ दिया जाए। आप इस चीज़ से समझ पाओगे कि क्यों मैं करंट पे लास्ट के 5 महीने का फोकस करता हूँ, कि जून से सितंबर बार बार कह रहा हूँ मैं, या बहुत करोगे तो आप मई से कर लो। तो अगर आप 15 अप्रैल से पीछे जाओ 5 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 ही महीने हुए, दिसंबर को ऐड कर लो, अभी तक आपने दिसंबर के 4 करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लिए, तो क्या बात समझ में आ रही है कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इट मीन्स कि एग्जाम से लास्ट के 5 मंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 4 क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स के 14 में से, जिसमें से चारों कहां से मिलेगा, दिसंबर में या जनवरी में। जनवरी में बुक पब्लिश हुई थी स्पेयर की, दिसंबर में ये घटना हो गई, एक इससे पहले भी अभी हमने करंट पढ़ा दिसंबर के हिसाब से था, जिसमें ताइवान ने लागू किया था नियम। तो इट मींस कि ये समझना जरूरी है आपको पेपर में कि कहां से पेपर पूछा जा रहा। तो लास्ट के 5 मंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो करंट अफेयर्स हमें नहीं पढ़ना है। यहां पर एक प्रश्न ये भी है, जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि कैसे होते हैं, नवीकरणीय स्रोत होते हैं। अभी मैंने ये ऊर्जा सेक्टर में मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल से, आप लोग क्या करते हो डाटा तो पढ़ लेते हो लेकिन चीज़ें बेसिक वाली जो होती है वो नहीं पढ़ते। तो मैंने बताया था कि भूतापीय ऊर्जा को किस में रखना है, प्राकृतिक ऊर्जा को किस में रखना है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल, जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा सूर्य ऊर्जा इवन की भूतापीय ऊर्जा को भी आपको इसी में ही शामिल करना जो पृथ्वी के अंदर प्राप्त होती है और जो कि नवीकरणीय, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है।
अब एक और प्रश्न देख लो करंट अफेयर्स का, सीधे सीधे आपके सामने। मैं करंट अफेयर्स के प्रश्न को रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि वो प्रश्न ही रिपीट होंगे, लेकिन पैटर्न देखो। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? पेपर कब दे रहे हो मेरे भाई? मई में दे रहे हो। कब से कब का करंट अफेयर्स पढ़वाया था मैंने? याद होगा मैंने खुद पढ़ाया था, तो 15 अप्रैल से पहले का ही मैंने कहा होगा कि भाई 15 अप्रैल से पहले का पढ़ना, लास्ट का वन मंथ छोड़ दो। 15 अप्रैल से पहले का मतलब 5 महीने से के बीच का। अब यहाँ पर अगर आपको लगे सर अभी तो आप पेपर देख के कह रहे हो, तो मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ पेपर देख के, मैं अभी 2023 के पेपर जब हो रहा था तो उससे पहले मैंने करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज कराए थे लगभग 600 से प्लस श्रेष्ठ पीसेस के, आप उसमें भी सुन सकते हो मेरी वीडियो। मैंने कई बार यही कहा कि लास्ट के 5 मंथ इंपॉर्टेंट है, और अभी भी मैं यही सारी चीज़ें कहता आ रहा हूँ लगातार जब जब भी मैंने टेस्ट पेपर या करंट अफेयर्स पढ़ाया। तो इसी से मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर्स यहाँ से आप ट्रेंड कर पाओगे एनालिसिस को। आगे देखो, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो ये आपके मोहम्मद शाह के दरबार में होगी। संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी। टप्पा को पंजाब के ऊंट चालकों के गीतों से विकसित किया गया था। अब आ जाओ, फिर से एक और दिसंबर का प्रश्न मिल गया, सुदर्शन प्रहार सेन। अब मेरे को बताओ जरा, मैं यहाँ पे फिर से रोकूंगा आपको। आपका पेपर हो रहा है 14 मई को, लोग कहते हैं कि भैया 1 ईयर पूरा पढ़ना है, मैं भी कहता हूँ 1 ईयर पढ़ो, लेकिन लास्ट के 5 to 6 मंथ का ज़्यादा फोकस करना। कहीं भी अभी तक आपने 5 करंट अफेयर देख लिए, टोटल 25 आते हैं, 5 तो आपके यहीं से आ गए, दिसंबर दिसंबर जनवरी जनवरी, यही तो खेल रहे हैं दिसंबर जनवरी। क्या आपने कोई पेपर देखा मई का करंट अफेयर्स? मई 2022, जून 2022, जुलाई 2022, कोई मिला क्या अभी तक? देखते हैं आगे कितना मिलता है, लेकिन 5 क्वेश्चन तो आपको वही मिल गए ना लास्ट के 5 मंथ के अंदर। तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पेपर हमारे लिए अब यूजफुल नहीं है करंट अफेयर्स, लेकिन पैटर्न एनालिसिस करना जरूरी है। तो यही चीज़ें होती हैं जो आप PYQ से निकाल पाते हो। अगर नहीं निकाल पाते हो तो हम लोग जो आपकी मदद करते हैं समझने के लिए कि ट्रेंड क्या है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 324, 315, 280, 338 मिलान करने के लिए, तो देखो सबसे पहले आपको जो आ रहा हो उससे मिलान कर लो। आपको क्या आ रहा है कि 324 में हमने पढ़ा है कि भाग 15 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन, मिला लो भाई इससे। अगर आप इलेक्शन कमीशन जानते हो तो बिल्कुल मिला लो इससे। फिर आप और आगे देखोगे अगर, तो आपको 280 भी पता होगा, वित्त आयोग को मिला सकते हो, मिला लो भैया। 315 भी आपको पता होगा, लोक सेवा आयोग, ये भी मिला। तो 338 जो बच गया इसे यहाँ पे मिला दो, SC जाति आयोग जो होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और 338 ए में कौन हो गया? अब ST हो गया। और 338 बी में कौन हो गया? अब OBC हो गया। यही तो है संवैधानिक प्रोविजन। तो ये इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसकी व्याख्या को कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, 315 में लोक सेवा आयोग, 280 में वित्त आयोग, 338 में SC कमीशन। तो मैंने आपको बताया भी है, और ये मैक्सिमम टॉपिक वही है जो रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में बात कर लेते हैं जरा इसको भी। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। बिल्कुल सही बात है, उच्चतम न्यायालय का ही होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए कम से कम। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हो। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और पॉलिटी के लिए तो मैंने कई बार कहा है दोस्तों कि बस आप अगर हमारे घटना चक्र की शॉर्ट नोट्स विद मैराथन क्लास जो मैंने आपको कराई इतना ही कर लोगे ना, तो आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथ में बस टेस्ट पेपर आपको लगाते रहने, टेस्ट सीरीज लगाते रहो। संविधान के अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर देगा, जो कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो भारत सरकार को सलाह देता है किसी भी मामले पे। और अनुच्छेद 76 के खंड 4 में कहा गया कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को ही उसे पदच्युत करने का भी अधिकार होता है। इवन कि इसका पारिश्रमिक भी दोस्तों यही तय करता है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महान्यायवादी, क्योंकि ये बार बार जो है कि हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आगे आ जाओ, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। बिल्कुल, अगर आपको पर्यावरण बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम करो। पॉल्यूशन कम करोगे, पेड़ पौधे अधिक लगाओगे, ये तभी हो सकता है जब जनसंख्या कम रहेगी तो खुली भूमि ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। भारत में देख लो पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट सही हो गया, आर गलत हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये आपके कॉमन सेंस को चेक कर रहा है कि अगर आपके घर में मान लो एक बड़ा सा घर है और बहुत सारा खेत है, 1 बीघा खेत है, और आपके दादाजी आपके पिताजी जो है कि कई सारे भाई हैं, जनसंख्या ज़्यादा, फिर आप भी बहुत सारे भाई बहन हो गए, तो वो जमीन जो कल को खेत में
खेत खेती होती थी, उस पर पौधे वगैरह लगे थे, पेड़ लगे हुए थे, पशुपालन हो रहा था, अब वो क्या होगी, वो जमीन बट बट के क्या होगी, धीरे धीरे छोटी जोत होती जाएगी और साथ ही साथ खेत छोटे हो जाएंगे, बाकी लोग उस पर क्या करेंगे, घर बनाने लगेंगे, मकान बनाएंगे, जंगलों को काट देंगे, खेती बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो सबको घर भी चाहिए। तो ये आपकी कॉमन सेंस की चीज़ को चेक करने के लिए प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो समझ में आ गया, ये तरीके ही होते हैं आपके पेपर को सॉल्व करने के। अब आगे बात करते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतिम थी, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पे घटनाओं को पता होना चाहिए, जैसे अगर आप देखोगे कि मोपला विद्रोह की बात करोगे तो केरल में 1921 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन की अगर आप बात करोगे तो ये लगभग कब हो गया था, अक्टूबर 1919 में हो गया था। होम रूल आंदोलन की बात करोगे तो ये भैया 1916 में शुरू किया गया था एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर आप बात करोगे तो इसकी डेट तो बिल्कुल फिक्स है, 13 अप्रैल 1919। अब यहाँ पे मिलान कर लो कि जो सबसे लास्ट घटना हुई थी वो आपकी मोपला विद्रोह हुई थी। अब इस तरीके से देखो, ये भी मैंने कई बार पढ़ा रखा है कि आपको जो पर्वत श्रेणियाँ और देश कैसे पढ़ा रखा है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पर मैंने वर्ल्ड मैप की क्लास कराई, बिल्कुल बहुत ही स्टैंडर्ड है दोस्तों, ऐसी क्लास तो आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने उसमें कुछ और रॉकेट साइंस नहीं लगाया, लेकिन आपके पास जो एटलस होती ना उसके पेज रंगवा दिए, उसके पॉइंट टू पॉइंट मैंने जगह जगह लोकेशन करवा दिए कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है। अगर ये चीज़ नहीं पता है ना तो फिर कोई मतलब नहीं है एटलस रखने का, खुश रहने से कोई मतलब नहीं है एटलस रखो, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे अगर आप देखोगे किलीमंजारो, किलीमंजारो क्या है, साउथ मतलब पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि तंजानिया में स्थित है, कहाँ पे, तंजानिया में स्थित है। माउंट टॉपकल की अगर हम बात करेंगे तो माउंट टॉपकल जो आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको मोरक्को में देखने को मिलेगा, कहाँ पे, मोरक्को में। और माउंट स्टैनली की बात करेंगे तो माउंट स्टैनली आपको युगांडा में देखने को मिलेगा, और हॉगर की बात करेंगे तो ये आपको अल्जीरिया में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ डिटेल से पढ़ लेते हैं कि किलीमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है, यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, कितना, सबसे ऊंचा माना जाता है। माउंट टॉपकल जो कि दक्षिण पश्चिम मोरक्को में एक पर्वत शिखर है, जो कि टॉपकल नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। और माउंट स्टैनली या माउंट नगलिमा एक पर्वत है जो किलीमंजारो और माउंट केन्या के बाद कांगो और युगांडा के लोकतांत्रिक गणराज्य का सबसे ऊंचा और यह अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। यहाँ पे हॉगर पर्वत की बात करेंगे तो दक्षिणी अल्जीरिया में केंद्रीय सहारा में कर्क रेखा के साथ एक पहाड़ी का क्षेत्र स्थित है। अब इसी तरीके से यहाँ पे कुछ व्याधियाँ हैं, यानी कि बीमारियाँ हैं और उससे संबंधित जो कारक होते हैं वो, जैसे पेप्टिक व्रण की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो, पेप्टिक व्रण सुनने में भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है, हालांकि मेरे पास पेपर अगर इंग्लिश में होता तो मैं आपको इंग्लिश में बता देता, लेकिन अगर मैं कहूँ तो इसको पेप्टिक अल्सर, यानी कि पेट में जो अल्सर होते हैं ना उसकी वजह से होते हैं। और पेट में सामान्यतः आपके जीवाणु होते हैं जो आपके भोजन को ग्रहण करने से चले जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों कि ये जीवाणु को जो है कि इस तरीके से लिख लो, ये विषाणु दो बार नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है घटना चक्र वालों की, तो ये जीवाणु हो जाएगा। अगर आप डेंगू देखोगे तो ये वायरस से होता है। अगर आप देखोगे मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजुआ से, और फील पाँव आपके कृमि से हो जाता है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे मिलान कर दिया गया। अब यहाँ पे देखोगे भारत के, तो यहाँ पर देखोगे भारत में एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में जो है कि क्या क्या स्टेटमेंट सही है, तो ये भी मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से सदस्य अधिक नहीं हो सकते, ये बात सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। अब ये बताओ न्यूनतम सदस्य आपको याद है कि नहीं, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं पढ़ा होगा ना तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कहूँ विधानसभा की बात, तो जरा विधानसभा की सीट आपको रिवाइज करा देता हूँ। विधानसभा में अधिकतम तो होती है 500 और न्यूनतम होती है 60, ठीक है। लेकिन अगर आपकी विधान परिषद के बारे में पूछा जाए, वीपी मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे विधानसभा की एक तिहाई होती है मैक्सिमम और मिनिमम होती है आपकी 40 सीटें, ये होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो गए, सही हो गए। व्याख्या पढ़ लेते हैं, देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सी, व्याख्या पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड एक के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, और इसलिए दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। और यही सब चीज़ें हमारे घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, ये भी देखा है तो टॉपिक करंट अफेयर्स का ही, लेकिन यहाँ पे बस इसने रिमाइंड कराने के लिए पूछ लिया कि भाई विश्व वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को होता है, और 2 फरवरी 2023 को सेलिब्रेट भी किया गया था, जिसकी जो थीम थी वो थी रिवाइव एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स, ठीक है।
एमडीएम को बात कर लेते हैं। एमडीएम को पीएम पोषण योजना में तब्दील किया गया 2021 में किया गया था, क्योंकि 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की, और इस योजना ने पूर्व में चल रही एमडीएम योजना जो कि आज प्राइमरी और अपर प्राइमरी में होती है वहां पर स्थान ले लिया, यानी इसको मर्ज कर दिया गया। तो ये देखो 2 साल पुराना भी करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं? क्या उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि होने के दिन। अब भाई डिसीजन 12 बजे आ गया, 2 बजे आ गया, 4 बजे आ गया, 1 बजे आ गया, सुबह 9 बजे आ गया, वो मैटर नहीं करता है। जिस दिन निर्णय आया ना उस दिन तक जो है कि उपराष्ट्रपति के सारे नियम फॉलो किए जाएंगे, अगले दिन से वो चीजें अप्लाइड होती हैं। क्या होती है? अगले दिन से वो चीजें अप्लाइड हो जाती हैं। तो यहां पर आप देखोगे केवल पहला ही सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि सारे कार्यविधि मान्य नहीं होंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। मान्य होंगे, अगले दिन से कैंसिल हो जाएगा, अगले दिन से मान्य नहीं रहेंगे। यहाँ पर हम व्याख्या पढ़ेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड 2 के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाए तो उसके यथास्थिति, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए कह रहा है, अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। यानी उस तारीख को भी और उससे पहले तो मानते ही है कि उससे पहले तो जो है कि कोई भी काम इलीगल नहीं माना जाएगा, इवन कि जिस दिन डिसीजन आ रहा ना उस दिन भी उसको वैलिड ही माना जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो जैनुल आबदीन ने किया था, और इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुलुद्दीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ करता था, धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक टॉलरेटिव था, सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया, ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया, और उसके समय महाभारत दशावतार तथा राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो उसी के दौरान, अच्छा यहाँ पर देखो आपके दिमाग में आएगा कि सर राज तरंगड़ी तो हमने पढ़ी है, कल्हण ने लिखी है। किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। लेकिन दोस्तों इसके दौरान ना राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद हुआ, और जिसका नाम दे दिया गया राज तरंगड़ी पार्ट टू। और ये पार्ट टू दोस्तों लिखी थी आपके दरबारी लेखक जोन राज थे। कौन थे? जोन राज। तो ये याद रख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे भारत के किस भाग में हंगुल नाम का एक हिरण पाया जाता है? भैया ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीरी लाल हिरण भी इसे कहते हैं, रेड डियर। तो हंगुल को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, और ये जम्मू कश्मीर का एक राज्य पशु के रूप में भी जाना जाता है। संधारणीय विकास, देखो एनवायरनमेंट में तो दोस्तों इतने आसान आसान प्रश्न आते हैं ना कि जिसकी कोई बात ही नहीं कर सकते आप, बिल्कुल बिल्कुल आसान प्रश्न आएंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं संधारणीय विकास का, वैश्विक सूचक संरचना और राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत और क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं ना वैश्विक सूचक संरचना के द्वारा और NSO व्यवस्थाओं के द्वारा, और इसको आंकड़े कौन जारी कर रहा है? UN के महासचिव प्रत्येक वार्षिक स्तर पर। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्थ वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषय में पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाती है। तो दोस्तों इसका ड्यूरेशन गलत है। कैसे गलत है? तो आइए व्याख्या में बताता हूं। यहां पे कि लिखा जा रहा है कि वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट प्रति तिमाही नहीं बल्कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। देखो यह भी प्रश्न इसी सेम एग्जाम में सेम 2 बार प्रश्न रिपीट हो गया। यही देखो कितनी अच्छी किस्मत थी कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो ये किस प्रकार से विकास कहलाएगा? भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही चीज़ तो अभी मैंने पहले प्रश्न में भी बताई थी, स्टार्टिंग के टॉप 5 मतलब 5 से 6 प्रश्न में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि भविष्य में भी उतनी ही चीज़ें बनी रहे, उनकी मतलब उत्पादकता और मात्रा भी बनी रहे जितना आज आपको मिल रहा है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। फिर कह रहा भारतीय मूल की किस व्यवसायिक को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? तो ये सुनील चोपड़ा जी को। मई 2022 में भारतीय मूल के व्यवसायी सुनील चोपड़ा को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर चुना गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जाके टोटल 33 क्वेश्चन में से जो 6 करंट अफेयर्स के आए थे, 6 में से 1 प्रश्न ऐसा मिला जो एग्जैक्ट 1 ईयर पुराना था।
यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो कि करंट अफेयर्स पर फोकस आपको करना है स्टार्टिंग के 5-6 महीने का, पढ़ना पूरे एक साल का है ये मैं हमेशा कह रहा हूँ, लेकिन फोकस आपको करना है स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने का जो एग्जाम के नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि कुछ घटनाएं हुई थी और इनको सही काल क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी अगर आप देखोगे कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी अंबेडकर जी के नेतृत्व में, तो 29 अगस्त, ध्यान से समझना, 29 अगस्त 1947 को, 46 नहीं 1947 को भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था, तो भैया ये तो आपकी प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि 26 नवंबर को हम एतद द्वारा जो है कि मीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी के दौरान भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, तो ये स्पष्ट बात है, और ये 1949 में हुआ था। फिर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने, प्रवृत्त का मतलब होता है लागू होने की बात की जा रही है, ठीक है, लागू होने की बात करोगे तो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और एक और स्टेटमेंट यहाँ पे रहा था, हाँ, संविधान की पृथक बैठक, भैया संविधान की जो प्रथम बैठक थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 में, जिस समय अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे, अध्यक्ष महोदय थे, और फ्रैंक एंथनी थे, हाँ फ्रैंक एंथनी जो है कि उपाध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी थे। तो ये पूरी घटना यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, आगे देखते हैं। और ये प्रश्न मैंने आपको बताया भी था कि कैसे प्रश्न बनेंगे, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो अब हमें यहाँ पे देखो ये प्रश्न नहीं पढ़ना है आपको, ये पुराना इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना, लेकिन इससे क्या समझना, अभी तक बजट का एक प्रश्न मिला, इकोनॉमिक सर्वे का भी एक प्रश्न मिल गया, और इकोनॉमिक सर्वे का भी जो प्रश्न है वो जरूर पढ़ना है, तो इसे भी हम लोग कवर करेंगे अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में आई दृष्टि में, जैसे मैंने घटनासार में कवर किया, लेकिन वहां पे क्या था कि जो अभी आपका जो लेटेस्ट बजट आया ना वो अभी उसमें था नहीं, क्योंकि जून तक था और बजट आपका 23 जुलाई को है, तो जो आई दृष्टि आएगी ना उसमें बहुत ही डिटेल से बहुत अच्छे से उसको कवर कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कवित्री या पुस्तक सही सुमेलित थी, जैसे दयाबाई ने विनय मल्लिका लिखी थी, सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखी थी, सोन कुमारी ने स्वर्ण बेली की कविता लिखी थी, लेकिन गंगाबाई की बात करें तो गणेश देव लीला ये इन्होंने नहीं लिखी थी। अगर आप देखोगे गणेश देव लीला की बात करें तो ये इन्होंने नहीं लिखी थी, तो आप डिटेल जरा पढ़ लेते हैं। महारानी सोन कुमार राज जयपुर के राजवंश की रानी थी, इनकी एक रचना थी स्वर्ण बेली की कविता के नाम से प्रसिद्ध थी, किसकी बात हो रही है, सोन कुमारी की, जिसमें कृष्ण पूजा के विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले गीत संग्रहित थे। और गंगाबाई कृष्ण भक्ति परंपरा की कवित्री थी, किसकी थी, भक्ति परंपरा की कवित्री थी, गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ है गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त होता है, इसी के नाम से। अब चलते हैं भैया मॉडर्न हिस्ट्री के एक और पॉइंट पे कि कैप्टन हॉकिंस के बारे में कौन सा कथन सही है, वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था और वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो देखो सेकंड तो सही है लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि विलियम हॉकिंस जिसको आप कह रहे हो कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था, और इस प्रकार स्पष्ट है कि हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया था, वह जेम्स प्रथम का दूत नहीं था, उसे तुर्की भाषा का ज्ञान था, वह तुर्की भाषा बहुत अच्छी तरीके से बोलता था, तो 1611 में नहीं आया था बल्कि 1608 में आया था ये। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इनका क्रम बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर इनके क्रम के बारे में देखोगे तो मराठा सरदारों से संबंधित हो गया, तो हम डायरेक्ट आंसर को देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ जी 1713 से 1720 तक ईस्वी तक थे, बालाजी मतलब बाजीराव प्रथम 1720 से 40, माधवराव प्रथम 61 से 72, नारायण राव 72 से 73, तो ये इनका क्रम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आकार रेगिस्तान के बारे में पूछ रहा है, रेगिस्तान के आकारों के बारे में पूछा जा रहा है, तो कैसे आपसे पूछ रहा है, अच्छा प्रश्न में क्या पूछा गया था, सबसे छोटे से शुरू करना, सबसे छोटे सबसे बड़े की ओर। अब आ जाओ अगर आप देखोगे सबसे बड़ा कौन सा होता है, पूरे विश्व का आपको पता होगा सबसे बड़ा आपका सहारा मरुस्थल होता है, ठीक है, तो सहारा मरुस्थल को आप देखो थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर कहाँ कहाँ पे, ये एलिमिनेटिंग मेथड भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको तो कट कर दो। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो कि सबसे छोटा कौन सा हो सकता है तो ये ग्रेट सैंडी होता है, तो एक से जैसे ही शुरू करोगे तो ये भी आपका कट जाएगा क्योंकि एक से यहाँ शुरू हो रहा है, एक से यहाँ। अब इन दोनों में आप 50% अगर एलिमिनेट कर चुके हो तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, हालांकि यहाँ पे बी हो जाएगा कि सबसे छोटा पहले ग्रेट सैंडी आएगा, फिर उसके बाद गोभी मरुस्थल आएगा, फिर अरेबियन मरुस्थल आएगा, फिर सबसे लास्ट में आएगा सहारा मरुस्थल, क्योंकि सबसे बड़ा माना जाता है।
यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मरुस्थलों के जो है कि स्क्वायर फिट में दिए हुए, मतलब कि कितने मिलियन वर्ग मील हैं, तो ये दिया हुआ है कि सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और कुल मिला के अंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। अर्थात अंटार्कटिक और आर्कटिक तो जो है कि आपके ठंडे मरुस्थल कहलाते ना, लेकिन ये गर्म मरुस्थल होता है, लेकिन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल होता है। तो यहाँ पे 10 सबसे बड़े मरुस्थल दिए हुए जो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर मैं अगर पढ़ूंगा भी तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको बस एक क्रम याद कर लेना है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है, और मैंने ये करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि पूर्ण या परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता और प्रकार्यात्मक निर्धनता। तो यहाँ पर एक आपकी सापेक्ष निर्धनता होती है और एक पूर्ण निर्धनता, ये दो निर्धनता मानी जाती है। पूर्ण निर्धनता की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, मतलब बेसिक बेसिक जो आधारभूत सुविधाएं होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसकी बात करते हैं हम लोग। लेकिन अगर जब हम सापेक्ष निर्धनता की बात करते हैं तो सामान्यतः ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है किसी दूसरे के सापेक्ष। जैसे मान लो ए के पास पैसा 1 करोड़ रुपए, लेकिन बी के पास पैसा 90 लाख रुपए, तो ये 10 लाख रुपए तो कम है, लेकिन इन दोनों की आपस में तुलना की जाए तो बी कौन हो गया, गरीब हो गया। हालांकि 90 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है, तो इसीलिए कहा गया कि गरीबी का तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच की असमर्थता से, अर्थात जब व्यक्ति अपनी मौलिक जरूरतों को भी पूरा ना कर पाए, रोटी कपड़ा मकान, तो वो क्या कहलाता है, तो गरीब कहलाता है। और गरीबी के दो रूप होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। इसी के साथ समाज में अन्य तरह की भी गरीबी पाई जाती है, जिनमें से एक व्यक्ति पर गरीबी भी होती है, लेकिन आपको स्टेटमेंट के हिसाब से यही दोनों सही मानना था। यहाँ पे इस प्रश्न को देख लेते हैं कि पूछा जा रहा है आपसे 41 नंबर पे, वैदिक कालीन प्रशासन में एक भागदुह नाम का एक अधिकारी होता था जो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी कहलाता था। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था जो अर्थ मंत्री होता था, जबकि अक्षय व द्युत अधिकारी एवं आय व्यय गणनाध्यक्ष होते थे, ठीक है। तो ये स्पष्ट बात हो गई यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का एक प्रमुख उद्देश्य, एक पुरानी योजना है जो आपका मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी करना, यानी कि शिशु मृत्यु दर में भी कमी करना और मातृ मृत्यु दर में भी कमी करना। ध्यान देना कि जो नवजात मृत्यु दर की रेशियो होती है वो 1000 के सापेक्ष हम काउंट करते हैं, लेकिन जो मातृ मृत्यु दर होती है उसको हम सामान्यतः 1 लाख के सापेक्ष हम काउंट करते हैं कि 1 लाख महिलाओं में कितनी महिलाओं की मृत्यु हो रही है। तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के भी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना एवं मातृ तथा नवजात मृत्यु दर को कम करना होता है। तो ये चीज़ें आपको पता रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम रखा गया था, रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से इन्होंने रखा था, और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ही इन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग से रेजिमेंट को गठित किया था। बाकी अगर आप देखोगे अन्य नाम, वैसे तो इन्होंने 4 ब्रिगेड स्थापित की थी जिसमें आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड थी, ये अन्य नाम भी थे इनके 4 के। नेक्स्ट अगर देखो कि ज्योग्राफी की बात करें तो ये भी मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत और घटनाचक्र के शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत भी मैंने डिस्क्राइब किया। जैसे अगर देखोगे इसमें कि निम्नलिखित कथनों में लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही, लैटराइट मिट्टी, तो भैया लैटराइट मिट्टी की अगर बात करें तो यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में डेवलप होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें लीचिंग की प्रोसेस ज़्यादा होती है। लीचिंग क्या होता है, ये लीचिंग का मतलब होता है कि जब आपकी वर्षा का पानी क्या होता है मृदा पर गिरता है और मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वो इनमें घुलनशील होकर मृदा के नीचे चले जाते हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। देखो लौह ऑक्साइड की कमी नहीं होती है, अगर लौह ऑक्साइड की कमी होती तो इसमें जो है कि लैटराइट या कह सकते हो कि लाल मृदा नहीं, मतलब लाल रंग नहीं पाता। हालांकि लौ ऑक्साइड अधिक होता है इसलिए ये उर्वरक नहीं रह जाती, मतलब कि उपजाऊ नहीं रह जाती, अनुर्वर हो जाती है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नगर कोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद करता है, तो अजीजुद्दीन खान करता है। फिरोज तुगलक ने के नगर कोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खान या अजीजुद्दीन खालिद ने किया, और यह अनुवाद कार्य दलियाल ए फिरोजशाही के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब ज्योग्राफी का एक प्रश्न आ रहा है, क्या कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है, बिल्कुल सही, और तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित रहता है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो ये दोनों ही बातें सही है, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से यहाँ पे ये वाला जो तमिलनाडु का हिस्सा है इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और व्याख्या भी आपकी करता है।
तो ये इसका पूरा व्याख्या है, आप अगर पढ़ेंगे ठीक से कि तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा के समानांतर हो जाता है, जिससे यहाँ पे टकराती नहीं है शाखाएं तो बारिश भी नहीं होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। अरब सागर की शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून को पश्चिमी घाटों द्वारा बाधित किया जाता है और ये हवाएं फिर पश्चिमी घाटों की ढलानों पर चढ़ती हैं, जल्द ही ठंडी हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सह्याद्री के हवा वाले हिस्से और पश्चिमी तटीय मैदान में मूसलाधार वर्षा होती है। पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये हवाएं नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं, इससे हवाओं में नमी कम कर देती है। हालांकि इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में आपके पास है 2 से 3 लाइन या व्याख्या ही सुन लोगे ना, मतलब जो स्टेटमेंट है वही आपको क्लियर कर दे रहा है। आगे देखते हैं, पोषक स्तर बनते हैं। भैया पोषक स्तर कैसे बनते हैं, अगर आप देखोगे तो 4 क्रम होते हैं, खाद्य श्रृंखला के जीवों में संबद्ध होते हैं। जैसे पोषक स्तर 1 की बात करो तो स्वपोषित जीव होते हैं या प्राथमिक उत्पादक, सेकंड वाले में प्राथमिक उपभोक्ता, थर्ड वाले में द्वितीय उपभोक्ता और फोर्थ वाले में आपके सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता। तो ये भी आपका एक एनवायरमेंट का ही पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे संघीय बजट से एक और प्रश्न आ गया, सेकंड नंबर पे प्रश्न नंबर 2 आ गया एक तरीके, संघीय बजट यानी बजट से कितने प्रश्न आ गए अभी तक, 2 प्रश्न आ गए और एक इकोनॉमिक सर्वे से आ गए। इट मींस कि क्या हुआ कि आपको ये चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी आपको बजट में, ठीक है। और बजट में भी आप देख रहे हो कंपैरिजन भी पूछ रहा है, पिछले वर्ष की तुलना मनरेगा के लिए आवंटन धनराशि और पिछले वर्ष की तुलना जल जीवन मिशन, यानी ये केवल नहीं कि आंकड़े रट लो, यहाँ पे आंकड़ा नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आपको आंकड़े पिछले साल के याद होते तो आप आराम से बता पाते कि हाँ सर इसको तुलनात्मक रूप में ये सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो ऐसे करके भी आपको प्रश्नों को पढ़ना है। पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 का क्या कहता है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय करना चाहिए, बिल्कुल सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, तो केवल पहली बात सही होगी क्योंकि यहाँ पे तो खंड स्तर पे तो कोई बात ही नहीं करते हैं, ये खंड स्तर पे जब बात ही नहीं करते तो कैसे आप इसे विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु मान लोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पंचायती राज पर वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति गठित हुई थी, 78 में इन्होंने रिपोर्ट दी, पंचायती राज 3 स्तर की जगह 2 स्तर पर फोकस किया, जिसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा उसके नीचे गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, और समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना गया था। मंडल जो बीच वाला स्तर था ना वो तो गठित ही नहीं हुई थी, तो उसको कैसे रख सकते थे ये। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रश्न पूछा रहा प्राचीन काल के भारत के आक्रमणों के संदर्भ में, तो सबसे पहले कौन आता है, तो अगर आप देखोगे सबसे पहले आपका यूनानी आएंगे, फिर शक आएंगे, फिर कुषाण आएंगे। देखा है तो यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, इस तरीके से क्रम होता है, अर्थात कि यूनानी आते हैं, फिर उसका शक आते हैं, फिर उसके बाद पहलव आते हैं, और फिर उसके बाद आपके आते हैं कुषाण। ये आपके 4 विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 51, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कह रहा है कि फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि के विकास का श्रेय किसको जाता है, तो ये स्पेन और अमेरिकी वासियों को। अब ये ऐसे प्रश्न है ना जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों से दूरी बनाना है, क्योंकि आपको ये डायरेक्टली नहीं पता होगा भाई, नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो करना, नहीं तो छोड़ देना। अगर ऐसे प्रश्न करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको गलतियां देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पे सोर्स भी दिया कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्पेनिश और अमेरिकियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागानों में भारी निवेश किया और इससे इंडोनेशिया में गन्ने की खेती पर डचों का एकाधिकार हो गया। अब यहाँ पर देखो आपका फिर एक और करंट अफेयर दिसंबर में ही देखने को मिल गया, तो ये हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करना होता है, ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ भी आप देखो फिर से एक और करंट अफेयर्स मिलता है आपको फरवरी 2023 का, ठीक है। हालांकि चीतों के बारे में ये आपको पढ़ लेना, वैसे तो मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये पढ़ाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके सारे प्रश्न आपको PYQs में करा दिए थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं बताना चाह रहा हूँ पैटर्न। तो करंट अफेयर्स का तो मुझे लगता है अब तक आपने कुछ चीजें सीख ली होंगी। क्या सीख ली? कि एग्जाम अगर आपका दोस्तों अक्टूबर में हो रहा है तो आपको क्या करना है मेरे भाई, जून से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर्स को अच्छे से घोट जाना है, रट जाना है दोस्तों। अगर जून भी नहीं लेना चाहो तो मई से भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन इतना तो जरूर पढ़ना है भाई, साल भर का पढ़ो लेकिन इतना जरूर पढ़ना है। अब यहां पर देखो भाग की बात करें, जो मिलान करने की बात हो रही है, अब यहां पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स है, तो हम डायरेक्ट व्याख्या पे आते हैं, और ये मैंने आपको बताया भी था परसों एक वीडियो में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये चीजें थी कि राजभाषा के बारे में बात करेंगे भाग 17, ये जरा रोमन में भाषा याद रखने, रोमन में ही लिखने को आती है एग्जाम में। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे किस तरीके से मिलान दे रहा है, ये देख रहे हो, ये रोमन भाषा, रोमन भाषा अगर नहीं आएगी ना तो कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप सबने 11th 12th किया, लेकिन जनरली क्या होता है हम लोग 11th 12th लिख के चले आते हैं, नहीं तो जनरली इंग्लिश मीडियम के बच्चे 11th 12th इस तरीके से 9th और 10th ऐसे लिखते हैं।
राजभाषा भाग 17 में, संघ राज क्षेत्र भाग 8 में आएगा, अनुसूचित जाति जनजाति भाग 10 में, अधिकरण भाग 14 ए में आता है। तो इस तरीके से हो गया। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? तो ये आपका करेगा राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, जिसको आप किसके तहत गठित कर सकते हो? आर्टिकल 243 टी के तहत कर सकते हो, और नगर पालिकाओं के लिए 243 वाई के। तो यहाँ पे टी की जगह आप कर सकते हो 243 के, ठीक है, 243 के तहत इसको गठित किया जा सकता है, और यहाँ पे जेड ए के तहत गठित किया जाएगा नगर पालिकाओं के लिए। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इन जनसंख्या के सिद्धांत जिन्होंने दिए हैं उसका मिलान करना। तो हम सीधे व्याख्या ही पढ़ लेते हैं, क्यों इतना लंबा पढ़े, क्योंकि ऊपर पूरा आगे पीछे पेपर दिया हुआ ना। तो अब जैसे डिस्प्ले पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले पे एक साथ तो पूरा नहीं शो करेगा, लेकिन आप अगर इसका प्रिंटआउट निकलवा लोगे, ये आपके पास पहले से भी होगा, तो यहाँ पे पूरा पेपर एक साथ आपको देखने को मिलेगा। तो देखो जनसंख्या के सिद्धांत, और अभी मैंने कल ही इकोनॉमिक्स में मैं ये चीज़ें पढ़ाई भी हैं कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन का, सामाजिक अपसमायोजन हेनरी जॉर्ज का, जनसंख्या संक्रमण थॉम्पसन का, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस का। तो ये जो है कि आपको देखना है। अब यहाँ पर देखो ये करंट अफेयर्स का पॉइंट है। करंट अफेयर्स का कैसे हो गया? क्योंकि इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? अभी मैंने कल ही इकोनॉमिक्स में बताया भी है कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, यानी कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, कल ही मैंने बताया था कि ILO के द्वारा जारी किया जाती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको जारी किया था। अब यहाँ पर एक और पुस्तक आपसे पूछी आई, फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस। तो ये आपको बुक देखने को मिल जाएगी। किसकी होगी ये? ये आपकी बिमल जालान जी की है, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जून 2022 में ये पब्लिश की गई थी। अभी तक आपको दो प्रश्न केवल मिले, एक मई से मिला था और एक जून से मिला था 2022 का, यानी एक साल पुराने करंट अफेयर्स के। लेकिन अगर आप ये भी नोटिस करो कि एक साल से पुराना नहीं जा रहा है करंट अफेयर्स, एक आध प्रश्न पूछा तो पूछा, नहीं तो लगभग वहीं से है। लगभग 10 प्रश्न हमारे MCQs हो चुके हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें से मैं कह सकता हूँ कि 7 to 8 प्रश्न आपके दिसंबर जनवरी फरवरी में। चलिए आगे चलते हैं। मैं जहाँ तक समझाने का मेरा जो काम था, वो चीज़ें आप समझ गए होंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखते हैं, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जाइलम से जल, यानी कि ये किसके लिए होता है? जल के लिए हो जाता है। और फाइलम का मतलब क्या होता है? फ्लोएम का मतलब जो आपके भोजन वगैरह को ले जाने का काम करता है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? सामान्यतः जल विभाजक कहते हैं, कि वाटर शेड कह देते हैं इसको। नेक्स्ट अगर हम देखें, संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में अनुच्छेद कुछ दशाओं में, आगे देखते हैं, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। बिल्कुल, संयुक्त बैठक के अंतर्गत 108 में कहा गया कि साधारण विधेयक पे अगर दोनों सदनों में कोई विरोध हो रहा है तो यहाँ पर संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, और जिसकी अध्यक्षता स्पीकर महोदय करते हैं, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, दोनों वही बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर क्यों सी ले रहा है? तो इसको जरा पूरा डिटेल से पढ़ लो। यहाँ लिखा है कि संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत कि कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, और अध्यक्षता 118(4) के तहत बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन प्रश्न के कथन एक में अंग्रेजी संस्करण में आर्टिकल 109 दिया गया था, और 109 आपको पता है किससे संबंधित होता है? बताइए, 109 आपकी धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित होता है। धन विधेयक की प्रक्रिया की किस तरीके से इसका प्रोसीजर हो सकता है, जबकि 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इस वजह से तो देखा जाए, और हमेशा कहा जाता है हिंदी और अंग्रेजी के अंतर्गत क्या होता है, हमेशा अंग्रेजी को प्लस पॉइंट देता है, अंग्रेजी को फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए आपको पेपर में डाउट अगर हो, हालांकि इस क्वेश्चन में तो डाउट नहीं हो सकता, ईजिली बच्चा सही करके आएगा, तो वहाँ पर हमेशा अंग्रेजी को फॉलो किया करो, अंग्रेजी भी देखा करो। एक ये भी रीजन होता है कि हिंदी मीडियम वालों के प्रश्न एकाध गलत क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे ये भी रीजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें अगर आप देखोगे तो जेंडर इक्वालिटी, स्पेस रिसर्च, जीरो हंगर और गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। अगर आप इसे देखोगे तो इसके अंतर्गत आप देखोगे कि जो स्पेस रिसर्च है ना, ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। जबकि लैंगिक समानता की बात करोगे तो 5 नंबर से संबंधित हो गया, जीरो हंगर की बात करोगे तो 2 नंबर से संबंधित हो गया, और ये गुड हेल्थ की बात करोगे तो 3 नंबर से। और जबकि SDG 1 क्या होता है दोस्तों? ये होता है नो पॉवर्टी का मतलब हो गया कोई गरीबी नहीं, मतलब गरीबी समाप्त है। अब यहाँ पे देखो, मिलान करने के लिए पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है कि चंद्र प्रभाव वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? क्या ये सोनभद्र में स्थित है, या ये आपके बहराइच में स्थित है, या आपके लखीमपुर खीरी, या फिर आपके चंदौली में? तो सामान्यतः ये चंदौली में स्थित है, और ये शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 1956 में इसको स्थापित किया गया था चंदौली में, तब ये बनारस का हिस्सा होती थी।
आगे देखते हैं पीएम गति शक्ति के बारे में। पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजन जिसमें सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचना। अब मुझे बताओ कि क्या पीएम गति शक्ति में 7 इंजन थे या 6 इंजन थे? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट में से केवल पहला ही सही, सॉरी पहला गलत हो जाएगा, दूसरा ही केवल सही होगा, क्योंकि जो पीएम गति शक्ति मिशन है ये 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। हालांकि शुरू किया गया था 2021-22 के बजट में, न कि 2022-23 में, इसलिए पहला वाला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जक, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया, इसको छोड़ दो। देखो नवंबर 2022 की ये रिपोर्ट थी, इसको हटाइए, हालांकि ये करंट अफेयर्स है। एवी रामास्वामी नायकर जी के बारे में, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही है, और उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। एवी रामास्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, 1925 में उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की थी। केरल में वाईकॉम त्रावणकोट नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, केपी केशव मेनन और टीके माधवन और के कलप्पन के भाग लिए थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? 2070 तक। पहले 2045 था, ठीक है, जब न्यू एजुकेशन मतलब नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी 2000 में, तो ये कहा गया था कि भाई हम 2045 तक हम जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अब इस टारगेट को चेंज कर दिया गया, 2070 कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ पुरानी योजनाएं जिनका मिलान करने के लिए दिया गया है, जैसे योजना और वर्ष सुमेलित नहीं है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2015 सही है क्या? रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 सही है क्या? सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 सही है क्या? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 सही है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी रूर्बन मिशन है ये आपके 2016 में शुरू किया गया था, ना कि 2015 में, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए, तो अगर आप देखोगे तो ये आपका करंट अफेयर से संबंधित हो गया क्योंकि ये 2022-23 में समानता लॉन्च किया गया था, तो इसको भी छोड़ दीजिए, करंट अफेयर से संबंधित हो गया। फिर यहाँ पे पूछेंगे हम आपसे एक प्रश्न और, आपसे पूछते हैं बायोलॉजी का कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आग्नेय के लैंगरहैंस के आईलेट की बीटा सेल यानी कोशिका से स्रावित होता है, तो इसे हम इंसुलिन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप कि आग्नेय के लैंगरहैंस के पायलट के बीटा कोशिका बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जबकि अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागन नामक हार्मोन स्रावित होता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि अभी तक में मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिक और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बायोलॉजी के कहीं कहीं, करंट अफेयर्स के भी ठीक ठाक हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं 71 में, जिसमें सूची वन और सूची सेकंड को आपको मिलान करना है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मिरात ए सिकंदरी, बुरहान ए मासिर, रियाज उल सलातीन, रियाज उल इंसा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब इनका मिलान करने के लिए आपको देखना है। अगर देखो कि मिरात ए सिकंदरी की बात करोगे तो सामान्यतः इसमें गुजरात विजय की जो है कि बारे में जानकारी दी गई है। ये बार बार तीसरे पे क्यों जाके रुक रहा है पेन, यहाँ पे आ जा भाई। अब देखते हैं बुरहान ए मासिर, ये आपके बहमनी के बारे में बताएंगे, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास लिखते हैं, और अगर हम रियाज उल सलातीन की बात करेंगे तो महमूद गवा के पत्र के बारे में, और रियाज उल इंसा बंगाल का इतिहास लिखते हैं, तो ये पुस्तकें भी आप पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से भारत में जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया रहा, हालांकि हरियाणा में स्थापित किया था, 10 नवंबर 2022 का ये करंट अफेयर्स था, तो ये आपका जो इंडियाज का फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक का पूछा जा रहा है। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, भाई ऐसा प्रदूषक जो कभी समाप्त नहीं हो सकता जल्दी, तो मल पदार्थ, मल मूत्र, घरेलू अवशिष्ट, ये सभी डिग्रेड हो जाता है, लेकिन कीटनाशक जो होते हैं, जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं, जो पेस्टिसाइड होते हैं, ये समाप्त नहीं होते समानता। अगर आप इनकी व्याख्या को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कांच, प्लास्टिक, कीटनाशक, ई अपशिष्ट और कृत्रिम रबड़ आदि, ये सभी गैर जैव निम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, जबकि मल मूत्र, अन्य घरेलू अपशिष्ट जैव निम्नीकरण प्रदूषक होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू मेथड के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, उसी जगह पर रहने वाले पशुओं को जो है कि इन सीटू मेथड से हम सुरक्षित कर सकते हैं। जलीय पौधे जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम एजोला कहते हैं। तो एजोला किससे समझता है, धान के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान करता है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाएगी। बहुत आसान प्रश्न था ये तो, और समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो
पूछा जा रहा है भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 की 217 में से 11 बैठकों के लिए कौन से स्थल रूप में शामिल नहीं था। वही आगरा था, ग्रेटर नोएडा था, लखनऊ था और वाराणसी था, लेकिन कानपुर नहीं था। हालांकि ये भी क्या हो गया, करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। तो करंट अफेयर देखो, सितंबर में आपके यहाँ G20 समिट हुई थी तो उससे प्रश्न पूछा गया। फिर आगे देखते हैं, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति दी थी। तो ये आप देखोगे कि 15 वर्ष के लिए दी गई। जब संविधान शुरू हुआ तो संविधान में अनुमति दी गई थी भाई सरकारी उद्देश्य, जब तक कोई नई भाषा को न तैयार किया जाए तब तक 15 वर्षों के लिए यही दी गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के खंड के तहत कि प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की गई थी जिनके लिए उनका प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। हालांकि संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अनुमति को उक्त अवधि से भी आगे जारी रखा गया है। अब यहां पर आपका देखो निसार उपग्रह के बारे में बात कर रहा है, निसार, तो ये क्या हो गया। यहां पर आप देखोगे नासा, इसरो, जो अपर्चर रडार होती है उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये आपके भू अवलोकन समेत हो गया। हालांकि इसमें नासा और इसरो दोनों ही शामिल है, अर्थात ये सी वाला हो जाएगा। फिर यहां पर देखते हैं कौन सा बंदरगाह सुमेलित नहीं, ये वर्ल्ड मैप के प्रश्न जो मैंने आपको कराया था। तो देखो मॉन्टेविडियो उरुग्वे में, जकार्ता इंडोनेशिया में, रोटरडम नीदरलैंड में जो कि राइन नदी पे, लेकिन इगार्का दोस्तों चीन में नहीं, रूस में। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया, ये रूस में है मुख्य रूप से। अब यहां पर देखते हैं लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर भैया, तो लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर थी वो थी मीरा कुमार और दूसरी कौन थी, सुमित्रा महाजन थी। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सुमेलित नहीं है, तो पॉलिटी के प्रश्न, हिस्ट्री के प्रश्न, ज्योग्राफी के, इन पे ही आपको ज्यादातर फोकस करना है। तो यहाँ देखोगे तो हेमावती कावेरी के, मंजरा गोदावरी के, मालप्रभा कृष्णा की, लेकिन प्राणहिता महानदी की है। प्राणहिता भी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, न कि महानदी की। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में प्राणहिता, पूर्णा, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा होती है। कावेरी नदी की प्रमुख नदियां अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी है। हालांकि कृष्ण नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा इत्यादि है। तो सहायक नदियों वाले टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो यहाँ पे इंद्र नारायण द्विवेदी जी को प्रथम भूमिका में रखना है आपको। बाकी बाबा रामचंद्र जी को देखोगे तो इन्होंने 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती को देखोगे तो इन्होंने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा वो सी ऑप्शन से हो जाएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने किया था इसका गठन। यहाँ पे आप देखोगे कि अवध में होम रूल आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे, इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया, संगठन को नाम दिया किसान सभा। एक फिर फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना भी कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो गंगा एक्सप्रेसवे को अगर आप देखोगे तो ये यूपी की योजना है, जबकि मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, ये तीनों की तीनों क्या है, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे देखने में तो लगेगा आपको एक हाईवे बन रहा है, और हाईवे ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्रालय बनता है जो कि नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है, लेकिन यहाँ पे ये यूपी के अंतर्गत हो रहा है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ से लेकर पूर्वी भाग प्रयागराज को जोड़ने से संबंधित इसको शुरू किया। हालांकि इसकी आधारशिला शाहजहांपुर में रखी गई, 594 किलोमीटर होगा, 6 लेन का होगा, 8 लेन तक इसका विस्तार किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो ये मानव विकास रिपोर्ट क्या 21-22 के नाम से करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जो कि इस बार जो आई हुई है आपकी वो 22-23 के नाम से आ चुकी है, जिसमें भारत की रैंकिंग भी मैंने बता दी है, करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जब भी ऐसा स्टेटमेंट है ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण, देखो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन ऐसे दिए हुए जिनसे सर्वाधिक क्या होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है, लेकिन सबसे ऐसा इंपॉर्टेंट कौन सा था, प्राकृतिक आवास का विनाश। जब आप प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दोगे ना तो बाकी ये सभी ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पे कौन सी नदी स्थित है, तो भैया यहाँ पे देखोगे तो कोलोराडो नदी भी आती है, रियो ग्रैंडे भी आती है। अब देखो एग्जामिनर ने जो भी माना वैसे देखेगा तो ये रियो ग्रैंडे ही फोकस करेगा, ये इसकी आप व्याख्या देख सकते हो, जबकि मैंने आपको ये वर्ल्ड मैप में पढ़ा रखा है। बात करते हैं राम गंगा नदी, कन्नौज के पास गंगा नदी मिलती है, बिल्कुल सही। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में नहीं मिलती है भैया, ये तो मिलती है आपके हमीरपुर में, प्रयागराज में नहीं मिलती, प्रयागराज में तो यमुना खुद मिलती है, तो दूसरा गलत हो गया। जबकि यहीं पे केन नदी जो है वो बांदा में आके मिल जाती है, कहाँ पे, बांदा में आके यमुना से मिल जाती है, तो केवल पहला ही इसका सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि रामगंगा, देखो ये पहला ऑप्शन सही है, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा की नदी मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो बजट से एक और प्रश्न आ गया, जहाँ पे डायरेक्टली ये आंकड़े पूछ रहा है, जीडीपी पूछ रहा है, कुल व्यय पूछ रहा है और कुल राजकोषीय घाटे को पूछ रहा है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि मैंने यूपी का आपको पढ़ा दिया, यूपी स्पेशल में जो घटना सार आई थी, सेंट्रल बजट भी मैं पढ़ा दूंगा जैसी आई दृष्टि आएगी, उसमें जो हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ आपको पता है कि कितने ही ऑथेंटिक और कितने स्टैंडर्ड वो नोट्स होते हैं, तो उसे जरूर पढ़ के जाना आपको। तो यानी बजट से ये भी धनराशियाँ पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो देखो दोहरे दंड की धारा ये भी है, कायत्तर विधि ये भी है, यातना के विरुद्ध निषेध ये नहीं है, और स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से भी गवाही रोकने का भी ये आधार यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, अब कह रहा है किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जावी को हटा दिया गया? हालांकि ये टैक्स स्कैंडल था, लेकिन ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, यहाँ जनवरी 2023 है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो करंट अफेयर्स आ रहा है किस तरीके से आ रहा है और कहाँ का आ रहा है। 120 सदस्यों वाले किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ ही 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइव उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन 1921 में किया गया था। अब यहाँ पे देखो एक और अनुमानित बजट दे दिया गया 2023 में कि किसको कितनी धनराशि दी गई है, तो ये धनराशियाँ वाले भी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बजट वाली चीज़ें, लेकिन आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि जो बजट आने वाला है उसको आपको कैसे कवर करना है। एक लाइन से पूरा घटना नहीं होता, बस उसको पॉइंट टू पॉइंट अगर नोट डाउन भी कर लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। सोचो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो देखो ये बात सही है, और राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी बात सही है, बाध्यकारी नहीं होता, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये पॉलिटी का बेसिक प्रश्न हो गया, जिसको आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद क्या करती है, सामान्य विधि मतलब साधारण विधेयक के द्वारा या साधारण बहुमत से एक नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, नए राज्य का गठन, उसका क्षेत्र सीमांकन सब कुछ कर सकती है, बस इसके लिए राष्ट्रपति से क्या करती है, एक पूर्व अनुमति ले लेती है। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि भाई जिस राज्य का हम विखंडन कर रहे हैं, जिस राज्य को हम तोड़ रहे हैं, उस राज्य से पहले एक बार चर्चा कर लिया जाए, लेकिन वो चर्चा बाध्यकारी नहीं होती है, और यही चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको PYQ सीरीज में कंप्लीट पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे 2023 के पेपर को मैं एक साथ एनालिसिस कर रहा हूँ, जिससे आप चीज़ों को और आसानी से समझ पाओगे। मैं RO के पेपर को भी एक से दो दिन में मैं एनालिसिस करूँगा अलग से कि किस तरीके के प्रश्न उसमें से भी पूछे गए थे और आपके PCS में भी आ सकते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का भी अधिकार है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही हो जाए। यहाँ पे संसद के बारे में आर्टिकल नंबर 98 के तहत जो है कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था है, और इसी खंड के परंतु के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। अनुच्छेद 98 के ही खंड 2 के तहत संसद विधि के द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती, उनकी सेवा शर्तों का विनियमन कर सकती है। अब यहाँ पे शिव समुद्रम या इस तरीके शिवान समुद्रम लिखा हुआ है कल्पक्कम, ये किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं? तो भैया शिव समुद्रम आपकी जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए फेमस है, कल्पक्कम वाला, कल्पक्कम आपका नाभिकीय ऊर्जा, शिव समुद्रम आपका जल शक्ति। जबकि सबसे पहले आपको पता होगा 1897 में आपका सिद्रोपोंग जो है कि जल विद्युत परियोजना थी, जो कहाँ पे स्थित है, सिद्रोपोंग, ये आपके वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में स्थित था। फिर उसके बाद 1903 में ही आपको बनाया गया किसको, शिव समुद्रम को, अच्छा 1902 दिखा रहा है, ठीक है, और तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम भी है। संघ वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं, नहीं, एक अध्यक्ष होता है प्लस चार सदस्य होते हैं, टोटल इसके 5 मेंबर होते हैं, तो ये गलत हो गया, और आर्टिकल नंबर 280 के तहत ये आता है। नेक्स्ट है, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करेगा, नहीं मेरे भाई, सब गलत है, ये तो ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति क्या करता है, इसे संसद के पटल पर रखवाता है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला हो गया कि ना तो पहला सी है ना ही दूसरा, और मैंने इसकी व्याख्या भी बता दी आपको पहले कि 280 में 4 अन्य सदस्य होते हैं, कुल 5 होते हैं, ये सब चीज़ें, और ये अपनी रिपोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करवाता है।
फिर देखते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो फिर फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स आ गया। खनिज संपदा के बारे में बात करें, खनिज संपदा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित भंडार मिले थे और भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम निकेल कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारे यहाँ लिथियम के भंडार जरूर मिल गए लेकिन अभी भी हमने उसकी कोई खुदाई वगैरह कुछ भी नहीं किया। और ये प्रश्न आपके लिथियम से नहीं है, ये प्रश्न आपके करंट अफेयर से दोस्तों फरवरी 2023 का है। तो आप देख पा रहे हो फरवरी से, जनवरी से, दिसंबर से सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स भरे पड़े हैं पूरे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है? तो पर्यावरण का संरक्षण करना। डीपीएसपी में अगर आप देखोगे तो 48(1) में आता है और मौलिक कर्तव्य में देखोगे तो 51 के तहत आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों में ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो देखिए स्वैच्छिक समाज सेवा क्या होती है? आर्थिक क्रिया नहीं होती, जबकि खेती करना, परिवहन, नौकरी। अब आप कहोगे सर आर्थिक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जहाँ पे आप किसी काम के बदले कोई ना कोई धन या कोई वेतन प्राप्त करते हैं। लेकिन स्वैच्छिक जब आप समाज सेवा कर रहे हो तो इसमें किसी प्रकार के वेतन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से कर रहे होते हो। तो यहाँ पे लिखा भी है कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग से। सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन करती हैं, अर्थात आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं कैसी हो जाएंगी? आर्थिक। जबकि आप देखोगे कि जो स्वैच्छिक समाज सेवा आप कर रहे हो वो किसी भी प्रकार से आय का सृजन नहीं करती है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। नो डाउट आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे कि यहाँ किस प्रकार से जो है कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखोगे योजना के बारे में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश से कौन सी संबंधित है? तो अनूठी उपहार योजना, केवल एक यही योजना है जो 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, राज्य में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। बाकी मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा की है, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है और स्त्री निधि योजना ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की योजना है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता? तो आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है, मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर। मांडा कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये सबसे उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे देखोगे अगर पश्चिमी सीमा की बात करोगे तो सुद कांगेडोर जो कि दास्क नदी पर स्थित है, पूर्वी देखोगे तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर स्थित है, और अगर उत्तरी देखोगे तो मांडा हो जाएगा आपका, और दक्षिणी देखोगे तो दैमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी की अगर हम बात कर लेते हैं, बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड होता है? तो भैया ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रदूषण की जांच करनी होती है, यानी कि प्रदूषण जो है कि ज़्यादा बढ़ जाता है तो बीओडी की समानता डिमांड बढ़ने लगती है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि वास्तविक में जो ऑक्सीजन होती है वो कम होने लगती है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को क्या कहोगे? तो मरुद्भिद जानवर कह दोगे, मरुद्भिद जानवर कह सकते हो आप इसे। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे कुछ उद्गम स्थल हैं तो आपको यहाँ पे मिलान करना, जैसे अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना आपकी यमुनोत्री नदी से निकलती है। कृष्णा नदी की बात करेंगे तो कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से महाराष्ट्र के पास, और गोदावरी की बात कर लेंगे तो ये आपके नासिक से निकल जाएगी, और महानदी की बात करेंगे तो सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो ये इसका मिलान भी हो गया, यानी नदियों का आपकी सहायक नदी भी आ रही है और उद्गम स्थल भी। अब यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी एक लिस्ट दी गई है कि कौन सी नदी है, कहाँ से उसका उद्गम है, कहाँ पर उसका संगम है, तो ये पूरी लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे गंगा, यमुना, शारदा, कोसी, गंडक, रामगंगा, सोन, दामोदर, चंबल, गोमती, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं और इनके उद्गम स्थल भी कई बार पूछे जाते हैं। यहां पर और भी देखोगे कुछ और नदियां हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी, कृष्णा, और इनकी ये सहायक नदियां होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरा ढंग से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप चाहो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर इसकी मैं पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा क्लास के बाद। अब यहाँ पे कुछ दर्रे हैं जो पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। देखो माना दर्रे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में, नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में, दीफू दर्रा आपका लद्दाख में नहीं है दोस्तों, अगिल दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं। तो चलो मैं आगे बता देता हूँ व्याख्या में, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे आपको दर्रे यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है, अगर आप इसे याद करते हो तो आपको सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे। हालांकि मैं अगर बात करूं अपने नोट्स की तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी में इन सभी चीज़ों को बहुत बेस्ट तरीके से कवर किया है, जो कि घटना चक्र का ही है, लेकिन ये घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स मैंने कंप्लीट किए, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये था आपका अनुशीलन समिति। आप देखोगे कि दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड के नाम से भी जाना जाता है इसको।
या फिर इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ भाई, बाल मुकुंद, बलराज महला, बसंत कुमार, अवध बिहारी गिरफ्तार किए गए थे। इनमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों की सजा हुई थी। हालांकि दीनानाथ ने क्या किया, पलटी मार दी और सरकारी गवाह बन गया। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाते राज बिहारी बोस, वो भाग के निकल गए जापान और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर काम करने लगे। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान निम्नलिखित संदर्भों में आपको बता, तो भैया आर्थिक विकास में अगर आप देखोगे तो आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये कुछ नहीं पूछ रहा, सिंपल कह रहा है प्रभाव बताओ, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर ये पूछता सकारात्मक है कि नकारात्मक तो आपको सोचना पड़ता, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आर्थिक विकास तथा जनसंख्या वृद्धि के मध्य विपरीत संबंध होता है, आर्थिक विकास होता जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आएगी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि का विकास आर्थिक विकास पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो SDG का मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है, तो भैया SDG का मिलान अगर आपको करना है तो SDG 10 क्या हो जाएगा, असमानताओं में कमी करने से संबंधित होगा। SDG 13 किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा पानी के नीचे जीवन यानी कि लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा। SDG 14 किस पे होगा, जमीन पर जीवन यानी कि लाइफ ऑन लैंड हो जाएगा। और SDG 15 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, SDG जो 10 है ना दोस्तों, ये हो जाएगा असमानताओं में कमी, लेकिन जो SDG 13 है ये आपका क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन। SDG 14 हो जाएगा लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा। और SDG 15 आपका हो जाएगा लाइफ ऑन लैंड हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक, यहाँ व्याख्या में भी देख सकते हो आप कि 10 में क्या असमानता कमी, 13 में जलवायु क्रिया, 14 में पानी के नीचे जीवन, 15 में जमीन पर जीवन, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे इतिहास का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित था। देखो वैशेषिक की बात करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा उलूक, कड़ाद या मुनि, पतंजलि नहीं होंगे। न्याय का गौतम सही है। मीमांसा का क्या हो जाएगा, पूजय कर सकते हो यानी कि जैमिनी हो जाएगा। और उत्तर मीमांसा का ऊब यानी कि यहाँ पे कपिल नहीं होगा बल्कि बद्रायण हो जाएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन ही केवल सही हो जाएगा। खरीतादार कौन था, भैया खरीतादार आपके अधिकारी थे जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, भैया वो होता है आपका देवप्रयाग, जहाँ से गंगा के रूप में धारण कर लेती है और हरिद्वार में पहली बार ये स्थल खंड के रूप में प्रवेश करती है, जबकि इससे पहले पहाड़ों के क्षेत्रों में ऋषि केस में रहती है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ये जो पुस्तक है गुलनार मेडल की पुस्तक है, 1970 में प्रकाशित हुई थी। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 क्या था, यह सतत विकास से संबंधित था कि 21वीं सदी में हम क्या एजेंडा रखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। हालांकि ये गैर बाध्यकारी कार्य योजना थी। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था, जो अर्थ समिट उसके दौरान ही इसको लाया गया था। अब यहाँ पे केंद्रीय बजट का एक और 23-24 का चौथा प्रश्न देखने को मिल गया कि कहाँ पर कितना व्यय किया जा रहा है, तो ये आप देखोगे कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपसे प्रश्न इससे पूछा जा रहा है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर देखो आप, जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया, 1974 में। इसको जरा पूरा पढ़ लो कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित हुआ, हालांकि 88 में इसमें संशोधन किया गया, और इसमें 1977 में इसे जो है कि लागू किया गया था। आरंभ में यह अधिनियम तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, किंतु वर्तमान में यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हो चुका है। आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना कि जल की जगह अगर आप ध्वनि रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण कर दोगे तो सॉरी वायु के नाम से, तो वो कब आएगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है आपका, मानव हृदय के चैम्बर्स कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके मानव हृदय के चैम्बर्स केवल 4 होते हैं, जिसमें 2 ऊपरी कक्षों को दायां और बायां अलिंद कहते हैं या एट्रियम भी कह सकते हैं, और जो 2 निचले कक्ष होते हैं उन्हें दायां और बायां निलय भी कह सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा होता है, तो डोनेस्टक होता है, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको, ठीक है, कि इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, अब ये भी करंट अफेयर्स का हो गया, जो कि सितंबर 2023 का G20 से संबंधित है, यानी कि सितंबर का करंट आपको तैयार होना चाहिए, मतलब उस समय के हिसाब से, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर एनालिसिस कर पाओगे। नेक्स्ट है पुराणों के संबंध, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि जो विष्णु पुराण होता है ये मौर्य वंश की जानकारी देता है, जो वायु पुराण होता है ये आपके गुप्त वंश की जानकारी देता है। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, इन सभी से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, तो एकमात्र विष्णु पुराण हो जाएगा जो मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि गुप्त वंश के लिए आपको वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, ये सभी
सभी गुप्त वंश की जानकारी देते हैं। अब यहाँ पर देखो फिर से एक आ गया जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स, तो बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए करंट अफेयर्स में फोकस कर रहा हूँ कि कब का पढ़ना है आपको, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से होती है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के स्तर पर राज्य की होती है, बिल्कुल सही है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार नहीं करती दोस्तों, बल्कि राज्य सरकार करती, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें संवैधानिक प्रावधान हो जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। और यह एक ग्राम स्तर की सभा होती है जिसमें पंचायत के क्षेत्र सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बी वाला गलत हो गया। संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ख ग्राम सभा के तात्पर्य क्या हो जाएगा कि ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी भी ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय होते हैं। और आर्टिकल 243 के अनुसार ग्राम सभा या ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसे कृत्यों का पालन करती है जो कि आपको किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो देखिए फरवरी 2023 का ये प्रश्न हो गया करंट अफेयर्स का, फिर 2 फरवरी 2023 का भी ये भी प्रश्न करंट अफेयर्स का हो गया। अब आगे देखते हैं लोटिक, लोटिक की बात करेंगे तो समानता ये क्या होते हैं गतिशील होते हैं। लोटिक कैसे होते हैं पारिस्थितिक तंत्र, गतिशील। तो गतिशील में क्या होती है नदी होती है, तालाब, दलदल और मार्सी एरिया जो होता है धसाऊ क्षेत्र जिसको पानी भरा हुआ क्षेत्र, ये तो एक ही जगह पर निश्चित होते हैं, लेकिन यही जो है कि आपका गतिशील होता है। तो लोटिक का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र जो किसी प्रकार का गतिमान जल होता है जैसे नदी, स्प्रिंग चैनल, स्ट्रीट क्रीक, स्टीम क्रीक, ये सब होते हैं। और एक लोटिक पारिस्थितिक तंत्र में पानी के स्रोत से मुंह तक वायुमंडलीय गैसें, मैलापन, अनुदैर्घ्य तापमान वगैरह ये सभी होते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन होता है इसका प्राकृतिक, जबकि कृत्रिम रेशम में क्या होता है नाइट्रोजन नहीं होता है। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, तो आयोडीन के होते हैं, इसलिए इसको सी वीड्स भी कहा जाता है आयोडीन की खेती के लिए, ठीक है। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के बारे में, तो राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें और लोकसभा के लिए 80 सीटें मिली है, तो बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें यहाँ पर सही हो चुकी हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा झील किस देश से सुमेलित नहीं है, देखो मराकाइबो झील आपकी वेनेजुएला में हो गई, मिशिगन आपकी यूएसए में हो गई, बैकाल आपकी रूस में हो गई, लेकिन ओनेगा आपकी कनाडा में नहीं है। ओनेगा जो आपकी होती है वो आप देखोगे कि रूस में आती है, ओनेगा जो पश्चिमी रूस होता है इसके अंतर्गत आती है, कनाडा में नहीं आती है। अब यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, भाई इल्तुतमिश कौन था, रजिया के पिता थे, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी यानी कि जहांगीर की बहन थी, और सॉरी जहांगीर की नहीं हुमायूं की बहन, हमीदा बानू बेगम की बात करें अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। अब यहाँ पे दिसंबर 2022 का ये करंट अफेयर्स का प्रश्न दिया हुआ है।